नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G versus Xiaomi Poco F3 GT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M32 5G में 6.46 इंच जबकि Poco F3 GT में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M32 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M32 5G में 3 इंच जबकि Poco F3 GT में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M32 5G में 0.36 इंच जबकि Poco F3 GT में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट दोनों फोन का सेम ही 205 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M32 5G में TFT जबकि Poco F3 GT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M32 5G में 6.5 इंचेस जबकि Poco F3 GT में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M32 5G में 720x1600 और Poco F3 GT में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M32 5G में 81.63% जबकि Poco F3 GT में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M32 5G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco F3 GT में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco F3 GT की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M32 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco F3 GT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M32 5G में Mali-G57 MC3 जबकि Poco F3 GT में Mali-G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M32 5G में MediaTek Dimensity 720MT 6853V और Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M32 5G में अप टू 1TB जबकि Poco F3 GT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M32 5G में 5000 mAh जबकि Poco F3 GT में 5065 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M32 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको F3 GT की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको F3 GT आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है, जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy A22 5G है, जो कि 18,149 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है, जो कि 21,950 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।